हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हॉस्पिटैलिटी अनप्लग्ड। मैं हूं राजू शर्मा और आज जो हमारे गेस्ट हैं, आपको बता दें कि ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इनको जरूर जानते हैं, और ये हैं नन अदर देन डॉक्टर सेफ परविंदर सिंह बाली। आपको बता दें कि इनको जो है 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना करियर की शुरुआत 1993 में ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल से की थी, और आपको बता दें कि ये 5 बुक के ऑथर भी हैं। जिस बुक को होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो नेपाल, इंडिया, केनिया और मलेशिया में। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, आज उनसे हम बात करते हैं, और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि लिविंग लेजेंड हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं आज उनसे। वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली, और ये हमारे लिए एक ऑनर है कि आप आज हमारे साथ बैठे हैं और हम आपसे आज बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेल सर, एक चीज जो मुझको जानना है और हमारे ऑडियंस को जानना है, पहले मैं बता दूं कि हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादातर ऐसे ऑडियंस है जो या तो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, right. या जो होटल में काम कर रहे हैं, या फिर जो होटल मैनेजमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये जो पॉडकास्ट है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, ये उनको बहुत फायदा देने वाली है। तो सर, जो पहला क्वेश्चन मेरा होगा आपसे वो ये कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में और अपने करियर के बारे में अगर थोड़ा बता पाएं। ओके, आई थिंक मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मेरी जनरेशन में ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों ने इंडस्ट्री को चूज नहीं किया, इंडस्ट्री ने हमें चूज किया जी। और वो इसलिए क्योंकि जो हमारी सोशल अपब्रिंगिंग है, हमारी स्पेशली हमारी कंट्री में जी, इस प्रोफेशन को बहुत लो देखा जाता है। क्योंकि मेरे को याद है कि जब हम वी वर ग्रोइंग अप, तो हमें ये ऑलमोस्ट एक धमकी की तरह दिया जाता कि बेटे कुछ पढ़ लिख ले, नहीं तो किसी होटल में जाके बर्तन मांजेगा या खाना पकाएगा जी। तो एक डर के साथ बड़े हुए जी कि अच्छा कुछ कर लेते हैं, नहीं तो होटल इंडस्ट्री में हम कहीं बर्तन ना मांजते फिरें जी। एंड आज भी कई पार्ट्स ऑफ जगह में यही देखा जाता है, वेयर पीपल से कि नहीं तुम इतना पढ़ लिख के क्या करोगे होटल मैनेजमेंट, क्या बावर्ची बनोगे, बहरा बनोगे जी। एंड ये आज भी कई जगह है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो, जब से शेफ संजीव कपूर और मास्टर शेफ प्रोग्राम्स और ये सब आने लगे जी, तो आज लोगों को पता चलने लगा कि व्हाट इज शेफ। और ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस एज वन ऑफ द आर्ट्स, कि हमारे दो शेफ जो हैं वो पद्मश्री हैं, इंक्लूडिंग शेफ इम्तियाज कुरैशी एंड श्री शेफ संजीव कपूर जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड टुडे शेफ प्रोफेशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोफेशंस जिसको कि लोग चूज कर रहे हैं जी। सो कमिंग बैक टू कि जहां हम इंडस्ट्री ने हमें चूज किया, तो हमारा ये माना जाता था कि जो कहीं और फेल हो जाता है जी, वो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेता है। बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, फॉर्चुनेटली, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ न्यूरोसर्जन। ओके, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज भी सफेद पहनता हूं, आज भी टेबल पे चीजें काटता हूं, बस वो काटने वाले सामान अलग है मेरे टेबल पे जी। बट आई वॉन्टेड टू बी अ न्यूरोसर्जन एंड अ डॉक्टर। तो मेरे फादर आर्मी में थे एंड आई बिलोंग टू बारामूला इन कश्मीर, अ स्मॉल प्लेस। इनिशियल पहले 3-4 साल हमारे कश्मीर में ही बीते, देन फादर टुक अस विद हिम एंड वी ट्रैवल लॉग स्टॉक एंड बैरल एवरी 2.5-3 ईयर्स। हम लोग अपना स्कूल बदलते थे, नई जगह जाते थे, तो वी बीन टू नागालैंड, तेजपुर, मथुरा, सिकंदराबाद, लॉट ऑफ प्लेसेस। एंड माई इनिशियल एजुकेशन happened in almost all different parts of the country. Okay. और उस टाइम एज अ स्टूडेंट आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते थे, या आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है जी। और 10th के आसपास फादर ब्रॉट अस बैक, ही टुक अ पोस्टिंग टू श्रीनगर। अच्छा। कि भाई 10th, 11th, 12th बच्चे एक ही स्कूल से कर लेंगे, और यू नो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। मेरे पास दोनों सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स भी था, बायो भी था जी। बट मेरा बहुत मन था बचपन से ही कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ओके। और जब मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो मैंने मैथमेटिक्स के कुछ एक्चुअली क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि मेरा बायो का पेपर इतना अच्छा जा रहा था। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को जो है, जब फाइनल रिजल्ट्स आए, तो मेरे को पता नहीं कैसे सीट इंजीनियरिंग में मिल गई, एंड आई डिडंट गेट सिलेक्टेड इनटू मेडिकल। सो देन आई हैड नो चॉइस, बट आई स्टार्टेड परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग। तो मैंने एक साल इंजीनियरिंग की है कश्मीर से, और तब वैली में ट्रबल थोड़ा शुरू हो चुका था जी। दिस वाज अराउंड 1989 के आसपास की बात है जी।
सो आई डिड फॉर वन ईयर एंड 1990 में देन फिर कुछ टाइम के लिए कॉलेजेस भी बंद हो गए हमारे जी. एंड फादर वाज इन आर्मी तो हमेशा डर लग रहता था एक आर्मी के बच्चे को बिल्कुल यू नो श्रीनगर में जब उस ट्रबल टाइम में. तो सडनली आई स्टार्टेड गिविंग अदर एग्जाम्स उनमें से एक होटल मैनेजमेंट एग्जाम था उसमें मेरा थ्रू हो गया. एंड सडनली यू नो आई सेड कि ठीक है कि लेट्स गो. कैलकटा में मेरा नंबर आया एंड आई क्लियर्ड ऑल इंटरव्यूज जी. सो माई आइडिया टू कम टू कैलकटा वॉज नॉट टू बिकम अ शेफ. माय आइडिया वाज कि मैं कैलकटा जाता हूँ और मेरे पास बहुत टाइम होगा मेरी लाइफ में जी. थोड़े बर्तन मांजने हैं थोड़ा खाना बनाना है बट मेरे पास दिन में बहुत टाइम होगा जहां मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई करूंगा. ओके. सो दैट वाज द रीजन एक्चुअली आई केम टू होटल मैनेजमेंट कॉलेज. ओके. बट जब यहां आया आई थिंक दिस इंडस्ट्री रियली ग्रोज ऑन यू. तो जब यहां आके डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स देखी कि नहीं होटल मैनेजमेंट सिर्फ एक खाना पकाना या सर्विस करना नहीं है. वी हैड 17 सब्जेक्ट्स जिसमें होटल इंजीनियरिंग होटल लॉ इकोनॉमिक्स फ्रेंच पढ़ते थे हम. सो एंड मल्टीपल आपके हाउस कीपिंग किचन ऑपरेशंस फूड एंड बेवरेज सर्विस सो मेनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स. बिल्कुल. एंड आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ रीडिंग लर्निंग बट एट द सेम टाइम इट वाज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड. सो ये बहुत एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है जी. और आज भी मैं इस फील्ड को ना एक मेडिकल फील्ड की तरह देखता हूँ जी. बिकॉज जो एक शेफ का प्रोफेशन है वो ऑलमोस्ट एक मेडिकल प्रोफेशन की तरह है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज आई वुड से. क्योंकि देखो हर एक महीने में प्रोसेस चेंज हो रहा है नए इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जैसे मेडिसिन लाइन में नई दवाइयां आ रही हैं. बिल्कुल. तो यू हैव टू कीप रीडिंग रिसर्चिंग. आपको हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रहने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है जी. सो ये पढ़ाई मतलब मैंने खुद 6 साल पढ़ा है शेफ की पढ़ाई की है मैंने. 3 साल मैंने होटल मैनेजमेंट किया है 2 साल मैंने ओबरॉयज में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जी. तो 5 साल तो मेरी पढ़ाई हो गई है. बिल्कुल. और आज भी इतनी सीनियर पोजिशन पे आने के बावजूद भी आई गो फॉर सेल्फ लर्निंग. मैं खुद क्लासेस लेने भी जाता हूँ बट क्लासेस खुद सीखने भी जाता हूँ. आज भी पढ़ रहे हैं आज भी. सो आई कीप स्टडिंग बिकॉज यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. अपनी कंट्री में क्या हो रहा है अगर आप देखें ना पिछले 10 साल से इतनी चीजें उभर के आई हैं कश्मीर मतलब हमारे खाने के बारे में हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग. पर आप कभी नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है एज अ शेफ जी. बिल्कुल. सो दिस वाज माय अर्लियर चाइल्डहुड डेज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड. बिल्कुल सिक्लूडेड एक एटमॉस्फेयर में आर्मी कैंटोनमेंट में जहां आपकी लाइफ सिर्फ आर्मी कैंटोनमेंट में होती है. बट व्हेन यू स्टेप आउट इनटू द सो कॉल्ड बिग बैड वर्ल्ड तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कि जब मैं एक आर्मी कैंटोनमेंट से निकल के एक रियली बिग बैड वर्ल्ड में आया तो कहां उसने मुझे चेंज और शेप अप किया. बिल्कुल. और आप IHM तारातल्ला से ग्रेजुएट हैं? मैं IHM तारातल्ला से ग्रेजुएट हूं जी. जी जी बिल्कुल. और ये जो शेफ बनना आपको आपने कहा कि इंडस्ट्री ने आपको चुना है आपने इंडस्ट्री को नहीं चुना है जी. पर कहीं ना कहीं कोई तो इंस्पिरेशन होगा जिसको आपने देखा हो या आपके जहन में हो जिसकी वजह से आपको शेफ बनने की इच्छा जो जगी हुई हो. बिल्कुल. और मैं स्टोरी को हमेशा रिलेट करता हूँ मिल्खा सिंह की स्टोरी से जी. कि जब मिल्खा सिंह दुनिया के इतने बड़े रनर बने जी लेकिन उनको दौड़ने का पैशन नहीं था. वो दौड़ में इसलिए आए क्योंकि उनको हर दौड़ में वो दूध का ग्लास मिलता था. बिल्कुल. सो हिज पैशन वॉज द ग्लास ऑफ मिल्क दैट मेड हिम द रनर. तो आई थिंक अगर मैं अपनी स्टोरी देखूं तो मेरी स्टोरी कहीं ऐसे ही इंस्पायर्ड है जहां की एक शेफ बनने का एग्जैक्ट पैशन शुरू में नहीं था जी. But I'll tell you the stories how they turned around because there are some very interesting stories. Like I told you ki jab main ek secluded army atmosphere se suddenly Calcutta aaya to main already ek mahina late tha and my father had written to the college to say because of insurgency in Kashmir and they were very happy to accommodate me aur unne ek mahina but mujhe hostel nahi mila. Achha. But main pahunch gaya. I was only 20 years old. कभी वहां से निकला नहीं था. तो आई टोल्ड माय फादर दैट ठीक है मुझे एक बंदा साथ दो जो मुझे छोड़ के आएगा और मुझे 12 बॉयल अंडे दे दो साथ. यू नो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. ओके. सो विद 12 एग्स एंड 1 आर्मी अटेंडेंट हु ड्रॉप मी एट माय कॉलेज गेट और वहां से छोड़ गया. और वहां मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहां रहूंगा क्या है क्योंकि अंदर जाके मुझे पता चला कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है जी. सो देन आई मेट अ फ्रेंड हु सेड कि यू कम टू माय हाउस एंड स्टे. सो आई स्टार्टेड स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स हाउस एज अ पेइंग गेस्ट जी. सो दैट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कहां से अपने आप चीजें जुड़ जाती हैं. और अभी 10 दिन हुए थे हमें वी वर कॉल्ड फॉर वेटिंग एट ताज बंगाल. ताज बंगाल नया नया होटल खुला था. अच्छा. और वेटिंग में हमें कुछ नहीं पता था क्या करना होता है. फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने एक 5-star होटल देखा था. तो जैसे ही एंटर हुए तो इतनी बड़ी लॉबी
ऐसी लाइटिंग, मतलब लगा कि वाह। आप 18-19 साल के होंगे? मैं 20 साल का था। 20 साल का थे आप? 19-20 साल का होऊंगा जी, जी। And the first time I had entered into a 5-star hotel. Okay. और वहां पे पूल साइड में पार्टी थी, लॉन्च पार्टी थी या क्या था मुझे ठीक तरह से याद नहीं है जी। और हमें इमीडिएटली एक ट्रे पकड़ाई गई, उसके ऊपर कुछ ग्लासेस थे जी, जिसमें विस्की थी, साथ में बर्फ थी और बोला था गो सर्व। और उस दिन आधा तो मैं वहीं टूट गया, क्योंकि ये सब हमने आर्मी में जैसे बहरों को, भाई हम उनको बहरा बोलते थे जी, और ये करने देखा तो हमने कहा ये हम कहाँ आ गए, मतलब व्हाट एम आई डूइंग जी, ये मैं किस जॉब पे आ गया हूँ। खैर सब कर रहे थे तो मैं भी ट्रे घुमाने लगा बिल्कुल। बट दैट पॉइंट इन टाइम आई रियली फेल्ट कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई जो करी है, डॉक्टर बनने का शौक था, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ जी। एंड सडनली आई सॉ देयर वाज वन लेडी बाय द पूल साइड, शी वाज वेरी ड्रंक, देयर वर 5-6 मेन अराउंड हर, शी वाज सो ड्रंक कि वो वाइन के ग्लास में चिकन डाल रही है, चिकन वाइन में डाल रही है, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर। एंड मेरे को वो देख के ना बहुत ज्यादा शॉक लगा जी, एंड आई लेफ्ट द ट्रे एंड आई डिसअपीयर्ड, मैं वापस अपने कॉलेज आ गया बिना किसी को बताए वहां पे। अच्छा। बट दैट नाइट आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग कि ये मैं किस इंडस्ट्री में पहुंच गया हूँ जी। एंड दैट इज द टाइम बिकॉज आई हैड ग्रोन अप वॉचिंग द मूवीज ऑफ प्रेम चोपड़ा जी, रंजीत, यू नो, ड्रिंकिंग जी। सो टिल डेट आई एम वेरी लकी आई डोंट ड्रिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज इट लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी कि पीपल हु ड्रिंक एंड बिहेव लाइक दैट आर बैड पीपल जी। तो आई ग्रू अप विद दैट बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट द आर्मी कैंटोनमेंट किड्स, हाउ सिक्लूडेड दे वर इन देयर ओन कोकून जी। तो मैं वापस आ गया एंड देन माई टीचर काउंसल्ड मी टू से मतलब दिस इज हाउ द इंडस्ट्री, सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री। और उसके बाद ऑफ कोर्स चीजें डिफरेंट होती गई, सो व्हेन आई वेंट फॉर माय इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाउ डिड आई गेट इंटरेस्टेड इन शेफ्स बनने के, उसमें तो ताज बंगाल नया नया होटल खुला था और मेरा सिलेक्शन हो गया था एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी जी। और वो पहला पड़ाव था जहाँ बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों में कि आप 5-6 लोग सिलेक्ट हुए हो बिल्कुल। और वो सिलेक्शन उस टाइम क्योंकि सिर्फ 2 या 3 होटल्स होते थे बंगाल कलकत्ता में, तब आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s की बात कर रहा हूँ जी। तो बहुत खुशी हुई कि अरे मैं 4-5 लोगों में से हूँ जो सिलेक्ट हुआ है ताज बंगाल के लिए, सो दैट गेव मी अ किक। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो किचन का एटमोसफेयर एक बहुत अमेजिंग एटमोसफेयर था। अच्छा। यंग यंग शेफ्स आ रखे थे कैरेबियन क्रूज लाइन से, एंड दे वर लोकल बंगालीज, बट वो 5-6 साल शिफ्ट में काम करके हाफ अनशेवन, यहाँ टैटू बने हुए, तो वेरी ड्रामेटिक। पर वो आपने कभी देखा नहीं था? मैंने कभी देखा नहीं था, मूवीज में देख रखा था जी। और वो ना मजाक में भी जैसे चाकू लेके घूमते थे, किसी के टेबल पे ऐसे चाकू गाड़ के उसका चिकन उठा लिया। अच्छा। और अपने सेक्शन में ले गए। अब उस टाइम वो मजाक चलता था किचन में, लेकिन मैं एक वो 20 साल का लड़का जो सब ऑब्जर्व कर रहा है जी, मैंने कहा ये तो बहुत अमेजिंग है, ये तो एकदम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली लुक है इस डिपार्टमेंट जी। तो अगर मैंने अपना करियर बनाना है तो किचन इज द कूल प्लेस अच्छा टू स्टार्ट योर करियर जी। और ऐसा ही फिर एक और एक्सपीरियंस हुआ जब मैं वहां के एक रेस्टोरेंट में था, तो वहां एक गेस्ट जो है वो मैनेजर के ऊपर बहुत चिल्ला रहा था, कोई प्रॉब्लम हुई थी एंड मैनेजर सॉरी सर करके खड़ा था, एंड वो गेस्ट बहुत अपसेट हो रहा था। एंड सडनली शेफ वॉकड इन, हिज गॉड ब्लेस हिज सोल, शेफ अरविंद सारस्वत, ही इज नो मोर जी। सो ही वॉकड इन, ग्रे हेयर्स, सिल्वर बटन्स, वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी, ही वाज द कॉर्पोरेट शेफ ऑफ ताज होटल्स जी। द मोमेंट ही वॉकड इन गेस्ट केप्ट क्वाइट, गेस्ट ऑफर्ड हिम अ चेयर, और वो शेफ चेयर पे बैठ के गेस्ट के साथ बात करने लगे और ये सब जी। तो दैट इंस्टेंटली मेड माई माइंड टू से अगर आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है होटल में विच इज रिस्पेक्टफुल इज द किचन डिपार्टमेंट बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन टू किचन। और किचन में फिर काम करते करते हमारे बैच में नॉट मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन किचन जी, बट आई सडनली दैट पैशन ऑफ दैट किचन स्टार्टेड कमिंग इन, न्यू इंग्रेडिएंट्स, न्यू फ्लेवर्स, हाउ टू टॉस, सो ऑलमोस्ट लाइक आई कैन रिलेट टू दैट रैट इन द रातातुई मूवी, जो मेरे को नई नई चीजें मतलब हर इट आई वाज लाइक इन अ टॉय शॉप, मैं बहुत खुश होता था कोई ऐसी चीज देख के जो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। सो आई थिंक देयर माई जर्नी स्टार्टेड इन द किचन, वेयर आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स, टू द कुकिंग, टू द स्टडिंग, लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ना। फिर हमारे शेफ कॉम्पिटिशन हुए तो हर बार मेरा या फर्स्ट आना या सेकेंड आना। अच्छा। शेफ कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होना जी, सो दोज थिंग्स स्टार्टेड गिविंग मी अ किक। वो छोटे छोटे पड़ाव थे, मुकाम थे, जिनको मैं पार करता गया, एंड दे गेव मी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू द इंटरेस्टेड इन किचन। ये तो आपका मेरे ख्याल से हिडन पैशन था जो आपने डिस्कवर किया था होटल में। आई थिंक इंडस्ट्री ने, दैट्स व्हाई आई से कि इंडस्ट्री ने हमें चूज किया बिल्कुल, एंड वी वेंट इनटू द फ्लो विद द फील्ड, और फिर अच्छे अच्छे लोगों से मिले,
बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया लाइफ में, अच्छे मेंटर्स आए, सब कुछ हुआ. सो जब मेरे को याद है एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमें ये बोला जाता था कि भाई सीनियर्स ने बोला था कि भाई तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे जी, तुमसे सिर्फ जो है सफाइयां करवाएंगे. तो हम इस मेंटालिटी से गए थे, मतलब मैं इस मेंटालिटी से गया था कि ठीक है मुझे सिर्फ सफाई करनी है एटलीस्ट, और मुझे देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है जी, किसी को मतलब अपसेट नहीं करना है, तो जो काम बोलते हैं वो करना है. तो दिस वॉज माई प्लान ऑफ एक्शन. बिल्कुल. तो मैं क्या करता था कि जहाँ पे भी वो शेफ्स खाना पकाते थे मैं दूर से ऑब्जर्व करता था जी, क्योंकि बिजी किचन में आप वहाँ जा नहीं सकते जी. तो मैं दूर से ऑब्जर्व करता था, अपने पॉइंट्स लिखता था, लेकिन जैसे ही वो बना के हटते थे मैं सीधा जाता था, साफ करता था एरिया और वापस आके रोबोट की तरह खड़ा हो जाता था. तो आई थिंक जब मैंने ये 3-4 दिन किया तो वहाँ शेफ्स का दिल पसीज गया जी, और उन्होंने मुझे खुद बुला के बोला कि भाई तू यहाँ यहाँ सिर्फ सफाइयाँ करने आए हुए है. देन दे स्टार्टेड to get me on the range to say chal ye dish pick up kar, ye dish pick up. I was the only industrial trainee jisko kabhi range pe chefs ne bula ke khana actually pakana sikhaya. Wow. So I think that became my real interest. To wo jo awaazein kitchen mein, wo jo flame ki awaaz, wo jo exhaust chal rahe hain, matlab that's a different music. So that's like music to my ears. Amazing. आपकी ये जर्नी आपने जो बताया ये सच में अमेजिंग है. और ये ऐसा है जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कोई कितनी बार भी देखे हाँ. पर ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे नहीं मिल पाएगा किसी को. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. और आपकी फेवरेट डिश क्या है, क्या आपको बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है, और कुछ तो आप मैजिकल डालते होंगे उसमें जो यूनिक इसको बनाता हो. सो आई थिंक मैं कुकिंग को एक बहुत डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, टू टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज नॉट अबाउट रेसिपीज. ओके. बिकॉज अगर हम एक ही तरह की रेसिपी 10 लोग बैठे हैं रूम में और 10 को सेम रेसिपी और सेम मेथड दिखाएं जी, वो 10 की 10 डिश अलग बनेगी. 10 की 10 डिश अलग बनेगी. बिकॉज आप किस टाइम पे स्पाइस डाल रहे हैं, किस टाइम पे आप गैस को स्लो कर रहे हैं, कितनी बार उसको चला रहे हैं, कितना आप पानी डाल रहे हैं, वो हर एक चीज उस डिश को इम्पैक्ट करती है. वाओ. और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड बीइंग एट OCLD पिछले ऑलमोस्ट 17 इयर्स से आई एम टीचिंग एंड ट्रेनिंग जी, एंड टू टीच एंड ट्रेन आई हैव टू लर्न माई सेल्फ. तो मैंने जितना खाने के बारे में इंट्रिकेसीज में जाके रिसर्च किया इन डेप्थ अबाउट हाउ ईच इंग्रेडिएंट हीट से कैसे रिएक्ट करता है, कब स्पाइस डालनी चाहिए, बिल्कुल, तो उन चीजों को आज मैं जो है बड़ी साइंटिफिकली देखता हूँ. तो फॉर मी कुकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. वाओ. एंड थर्ड थिंग इज इंस्टिंक्ट. और वो इंस्टिंक्ट जो है आपको ना कोई बुक सिखा सकती है, वो इंस्टिंक्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा जी. जो मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, दैट नोबडी कैन टेक अवे द एक्सपीरियंस आउट ऑफ कुकिंग. बिकॉज पहले 10 साल आप अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ सीखते हैं जी, उसके बाद आप 10 साल बाद अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और जब इंप्लीमेंट करते करते आप उनसे लर्निंग्स लेते हैं जी, और फिर आप देखते हैं कि कैसे चीज हो रही है. So I think that way, I think my favorite dishes are Indian dishes. जी. To cook, I love cooking Indian dishes because उस Indian dish में इतनी complexity है. जी. And I think वो complexity है जो मुझे challenge करती है dish को बनाने के लिए. तो अगर हम simple ingredient की बात करें, एक lamb. जी. तो उस lamb को पकाने के आपके पास कम से कम 10-12 तरीके हैं Indian cuisine में. जी. एक ingredient है lamb, लेकिन उसको कश्मीर में पहले ठंडे पानी में डाल के उबाला जाता है, फिर धोया जाता है टू मेक इट नाइस एंड क्लीन. फिर उसकी जो कुकिंग मेथडोलॉजी है, कभी दम पे कुक कर सकते हो, कभी आप उसको बॉईल कर सकते हो, कभी आप उसको हल्का मसाला देके एक जूट के बैग में डाल के मुल्तानी मिट्टी से कवर करके जमीन में गाड़ के पका सकते हो. बिल्कुल. तो देर आर सो मच ऑफ वेरिएशन. सो हर एक हीट का इम्पैक्ट, हर एक साइंस. तो एक छोटा सा साइंस जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे कोई मीट लेते हैं तो मीट में एक कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं जी, तो कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन कोलेजन. जब आप स्लो हीट देते हैं तो वो कोलेजन जो है जेलेटिन में कन्वर्ट होती है. तो वो जेलेटिन जो है वो मीट को सॉफ्ट और चिपचिपा बनाती है. तो दैट इज वन ऑफ द थ्योरीज बिहाइंड कुकिंग ऑफ लैम. देन कटिंग ऑफ लैम इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब लैम की मसल जो होती है उसके रेशे एक लाइन में जा रहे होते हैं, विच इन इंग्लिश वी कॉल ग्रेन्स. सो यू कट द मीट अगेंस्ट द ग्रेन, नॉट ऑन द ग्रेन. अगर ऑन द ग्रेन काटेंगे तो उसका मसल का जो फाइबर है वो लंबा होगा. जब वो पकेगा और आप पीस मुंह में डाल के चबाएंगे तो वो सारे फाइबर इकट्ठे हो जाएंगे, आप उसको चबाना मुश्किल होगा. तो लोगों को लगेगा कि मीट बहुत च्यूवी और टफ सा है. लेकिन जब उसको छोटे में काटेंगे तो मसल के फाइबर छोटे होंगे, मुंह में डालते घुलेंगे, यू विल फाइंड दैट लैम्ब इज सॉफ्ट. तो इवन कटिंग ऑफ द मीट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. बिल्कुल. सो बिफोर कुकिंग आई वुड टेल
ऑल द पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री जी या जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इमीडिएटली उस पोजीशन पे मत आएं कि मैं आज दो साल में काम करके एक सेलिब्रिटी शेफ बन जाऊंगा या मैं बहुत बड़ा शेफ बन जाऊंगा होटल का. यू हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स. सो पहले आप नाइफ को शार्प करना सीखें जी, फिर आप सब्जियों को कैसे काटते हैं वो सीखें जी, चॉप कैसे करते हैं वो सीखें, अब बुचरी कैसे करते हैं वो सीखें. पहले दो साल तो आपको सिर्फ कटिंग चॉपिंग बेसिक मीजा प्लास हाउ टू मेक अ पेस्ट फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन है जी. स्पेशली इंडियन किचन में तो प्याज के पेस्ट भी चार तरह के होते हैं. बिल्कुल. एक रॉ अनियन पेस्ट होता है, एक बॉइल्ड अनियन पेस्ट होता है जी, एक ब्राउन अनियन पेस्ट होता है, एक क्रश्ड अनियन पेस्ट होता है. तो हर एक पेस्ट का एक अलग यूज है, अलग टेक्निक है जी. और वो आपको एक एक्सपीरियंस से आएगी, बट जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे तो मैं आई थिंक लर्निंग जैसे लैंग्वेज लर्निंग होती है कुकिंग को वैसे देखता हूँ. बिल्कुल. कि आपके ये स्टेप्स हैं ABCD जी, जो आपके कटिंग चॉपिंग ये ABCDs हैं. बिल्कुल. फिर जब आप एक भुने हुए जीरा चाट मसाला इसको बना के गर्म मसाला बनाते हो, दैट्स योर ABCD जी. थ्री लेटर वर्ड, फोर लेटर वर्ड. तो पहले आप ABCD सीखिए, फिर तीन चार लेटर वर्ड सीखिए. बिल्कुल. फिर कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाइए, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं. बट बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज. बिल्कुल. और अभी कॉलेज में आते ही पहले ही आप ऐसे लिखना सीखेंगे या इंडस्ट्री में आते ही तो फिर नहीं होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना होगा. हाँ. और आई थिंक आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की कितना मतलब बढ़िया है सोशल मीडिया, आई वुड से बट यू लुक एट थिंग्स, बट इट कैन ऑल्सो बी एडवर्स. कि उसका इम्पैक्ट कोई रिवर्स भी जा सकता है कि बंदा जब खाने की पिक्चर देखता है तो वो अपने खाने को बस सुंदर दिखाना चाहता है कि मैं इसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल सकूं. अब बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो इंस्टाग्राम पे होती हैं वो कई बार ओरिजिनल भी नहीं होती. बिल्कुल. जैसे कच्चा मीट है और उसके ऊपर कई बार शू पॉलिश लगा के उसको ग्रिलिंग मार्क्स देते हैं. सो दीज आर एक्चुअली फूड, जो लोग फूड फोटोग्राफी करते हैं जी, उनके लिए अलग कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट में. आपको ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, जो आपको पैनकेक्स के ऊपर गिरता हुआ जो सिरप दिखता है वो सिरप नहीं होता. ओके. वो एक बर्न्ड डीजल ऑयल होता है जो थिक हो जाता है, तो उसको रखते हैं तो वो थिक है, तो वो जब तक आप फोटोग्राफ ले रहे हैं वहां तक रहता है जी. तो जो खाना कितनी बार जो अच्छा दिखता है वो एक फोटोग्राफी टेक्निक से बनाया गया होता है. सो मेरे आई विल अर्ज स्टूडेंट्स की भाई प्लीज डोंट गो ऑन द लुक ऑफ द फूड. लुक ऑफ द फूड आ जाएगा, अच्छे एक्सपीरियंस से सब कुछ हो जाएगा. बिल्कुल. लेकिन आप खाने को टेस्टी बनाना सीखें, और टेस्टी के अलावा उसको न्यूट्रिशियस, विच इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आई थिंक हमारे एज अ शेफ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल नेशन, न्यूट्रिशन ऑफ द नेशन. क्योंकि आज हमें देख देख के लोग अपने ट्रेंड्स बना रहे हैं, नई चीजें बना रहे हैं जी. और अगर हम अपने खाने को ऐसा बनाएं कि हम न्यूट्रिशनली खाने को दे सकें, तो आई थिंक हम कितनी अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता का उद्धार करेंगे. बिल्कुल. क्योंकि हमारा आज कंट्री इज द सेकंड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल. तो आज इसीलिए मिलेट्स के ऊपर हम लोग वापस आ रहे हैं जी. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नाउ सेड मिलेट ऑफ द ईयर, एंड मिलेट वॉज इन टू आर डाइट्स, एंड टुडे ऑल शेफ्स आर गेटिंग टुगेदर. आप देखिए आज सोशल मीडिया में हर जगह पीपल आर मेकिंग मिलेट्स का थिंग, एंड दो तीन साल पहले तक मिलेट सब भूल चुके थे. बट दोज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज गो बैक टू योर रूट्स. बिल्कुल. आज भी अगर आपकी दादी नानी जिंदा हैं तो उन रेसिपीज को डॉक्यूमेंट कीजिए. बिल्कुल. बिकॉज वो रेसिपीज आगे चलेंगी, रेसिपीज विल बी इन द सिस्टम फॉर एवर. बिल्कुल. और हमारी कंट्री की आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ये ट्रेड था जिसको कि नीचा देखा जाता था जी, तो हमारे पास अनएजुकेटेड कुक्स थे जी, तो उन कुक्स ने कभी रेसिपीज को लिखा नहीं जी. तो हमारे पास आज रेसिपीज अपने खाने की है नहीं, और हमारा जो हिंदुस्तानी खाना और सभ्यता है वो कहीं ना कहीं हम भूल गए. क्योंकि आज जो हमारे पास खाने की नॉलेज है वो सिर्फ 300-400 साल पुरानी है, जिसको हम मुगलाई खाना कहते हैं जी. तो ना बिरयानी हमारा है, ना कबाब हमारे हैं, ये सब पर्शिया टर्की यहाँ से आए जी. आज जो पंजाबी खाना खाते हैं वो पंजाब का ही नहीं है, जो दाल मखनी चिकन बटर मसाला पंजाब में कहीं नहीं बनता. अगर आप जाके एक 80 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर से चिकन बटर मसाला की बात करेंगे, शी विल नॉट नो, उसको नहीं पता. और आज चिकन बटर चिकन टिक्का मसाला तो नेशनल डिश ऑफ इंग्लैंड है. तो बहुत सारा खाना जो आज का हम जिसको पंजाबी खाना मानते हैं वो रेस्टोरेंट पंजाबी फूड है जी. पंजाबी खाना तो एक बहुत डिफरेंट. तो मतलब हमारे हिंदुस्तान में इफ यू सी देयर इज सच अमेजिंग फूड जिसको हम खुद अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई एग्री टू दैट सर. और आपने OCLD की बात की जी. आप OCLD से काफ़ी सालों से आप ओबेरॉय से जुड़े हुए हैं, तो OCLD को एक एलीट इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जाता जी. है जी. तो जो एस्पिरेंस हैं
उनमें आप क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं कि वो ओसीएलडी में आए और वो वहाँ पे शिक्षण जो है वहाँ पे ग्रहण करें, तो आप किस तरह की जो है एस्पिरेंट्स की क्वालिटी आप खोज रहे हैं? सो ओसीएलडी का फुल फॉर्म है द ओबेरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जी, जब मैंने ज्वाइन किया था 30 साल पहले, देन इट वॉज कॉल्ड ओबेरॉय स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, OSHM जी बोलते थे, बट टुडे इट्स अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हम सिर्फ वहाँ पे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, बट वी डेवलप द कंपनी एज अ होल, द ट्रेनिंग ऑफ द एंटायर कंपनी। जी, तो हम हर तरह की ट्रेनिंग करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए। जी, बट जो आई थिंक जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जी, 3 साल का या 4 साल का, जी, उनको हम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करवाते हैं OCLD में। ओके, वेयर इन जब वो पास आउट होते हैं तो वो सूशेफ बनते हैं सीधा जाके। वाओ, नाउ एज अ सूशेफ इन अ होटल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ किचन। जी, आपको एक मैनेजरियल पोजीशन मिलनी है जिसके लिए आपके पास 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। जी, तो आपको नॉलेज हम OCLD में देते हैं, जी, स्किल भी सिखाते हैं, और इस स्किल को वो होटल्स में जाके प्रैक्टिस करते हैं। ओके, और एटीट्यूड सुबह से शाम तक उनमें ओबेरॉय के धर्मा, उनकी काउंसलिंग, जी, वो दिन भर होती रहती है, सो दैट दे लर्न दैट व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग अ थिंग। जी, तो आई थिंक एटीट्यूड एनवायरमेंट से बिल्ड होता है, एटीट्यूड आसपास, बिहेवियर जो आपने बना रखा है उससे बिल्ट अप होता है। जी, स्किल आपका प्रैक्टिस से बिल्ट अप होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और नॉलेज जो है वो आपको सिर्फ दी नहीं जाती, आई थिंक इट्स अ शेयरिंग ऑफ अ नॉलेज। सो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म में वेयर वी टेक इन पीपल, वी वांट पीपल विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स। तो हमें चाहिए कि जो बंदा है या सो व्हेन आई से बंदा, इट इंक्लूड्स बोथ बंदा एंड बंदी। जी जी, बिल्कुल। तो वी वांट पीपल जो कमिटेड हों, पैशनेट हों, उनका टेक्निकल अवेयरनेस बैक 3 साल से जो उन्होंने किया वो अच्छा हो। पीपल विद कॉमन सेंस, वी आर लुकिंग विद पीपल विद कॉमन सेंस, बहुत जरूरी है। और जो एज मिस्टर ओबेरॉय कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉमन थिंग, द कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द पीपल टुडे। पीपल फोकस्ड, बिकॉज हमारी कंपनी का ओवरऑल जो इथॉस है दैट इज पीपल फोकस्ड। वी आर रियली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल, क्योंकि यू नो, अगर आपके लोग अच्छे होंगे तो आपके आपके गेस्ट को अच्छी सर्विस मिलेगी। जब आपके गेस्ट खुश होंगे तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन आवर पीपल। सो वी आर लुकिंग एट पीपल हु आर गुड एट हार्ट, हु हैव कॉमन सेंस, हु हैव गुड टेक्निकल नॉलेज, हु कैन थिंक ऑन देयर फीट, कैन के टेक क्विक डिसीजंस। सो आई थिंक ये एट्रीब्यूट्स, सो आई थिंक जब वो OCLD में आते हैं, सो वी आर लुकिंग फॉर पीपल विद विल। सो वंस दे हैव द विल, वी विल प्रोवाइड यू द स्किल। बट आई थिंक वो विल पार जो है, वो पैशन जो है, एंड दैट हैज टू बी ऑलरेडी देयर इन अ पर्सन। जी, और वो पैशन तभी पता चलता है जब आप इंटरव्यूज में कोई क्वेश्चन पूछते हो, और किसी का पैशन अगर बाइक के ऊपर है, अगर उसको क्वेश्चन पूछो तो आंखों में एक चमक आ जाती है और वो बाइक के बारे में आपको सब कुछ बता सकता है। बिल्कुल, तो वही चमक हमें जब हम आपके टेक्निकल कुछ चीज पूछ रहे हैं उसमें आनी चाहिए। जी, और कई बार सिर्फ बात करने से ही पता चल जाता है कि बंदा कितना पैशनेट है अपनी चीज के बारे में। सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ उससे। और ये बात सच है कि स्किल्स आप किसी को सिखा सकते हैं, एटीट्यूड आप सिखा नहीं सकते। बिल्कुल, तो मैक्सिमम इंटरव्यूअर, क्योंकि हम जब भी जो हमारे स्टूडेंट्स का जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो हम यही पूछते हैं इंटरव्यूअर से, तो वो कहते हैं कि हम एटीट्यूड देखते हैं कि उनमें कैसा है, हॉस्पिटैलिटी एटीट्यूड है कि नहीं है, पॉजिटिविटी है कि नहीं है, इस बच्चे में एम्पैथी है कि नहीं। जी, क्योंकि आप में अगर करुणा नहीं रहेगा तो आप दूसरों को सर्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप एक ड्यूटी की तरह उसको लेंगे, आप जाएंगे ड्यूटी करके वापस आएंगे, हॉस्पिटैलिटी इसके लिए नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो सर, इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ और बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ आपसे। तो सर, OCLD की बात हो रही है, आप तो काफी समय से जुड़े हुए हैं। जी, आपको क्या डिफरेंस लगता है एक उस टाइम पे 30 साल पहले जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जैसे आप एक टाइम पे स्टूडेंट थे, और आज के जेनरेशन के जो स्टूडेंट है, आप में कुछ खास डिफरेंस समझ आता है उनमें? बहुत। आई थिंक हर 5 या 6 साल बाद, मतलब 5-6 साल तक मेरे को लगता है एक पैटर्न रहता है। जी, उसके 6 साल के बाद सडनली जो एक स्टूडेंट का ग्रुप आता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जी, उसकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है, सोचने समझने का ढंग अलग होता है। जी, तो मैं अगर अपने टाइम से रिलेट करूँ तो हम बिल्कुल आर्मी की तरह चलते थे, कि बॉस ने बोल दिया जंप, तो हम सिर्फ पूछते थे हाउ हाई।
जी हमारा और कोई क्वेश्चन नहीं होता था जी, लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एनालिसिस करना है हर चीज का. सो इफ यू आस्क देम जंप दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, व्हाई डू आई हैव टू जंप, व्हाट विल आई गेट इफ आई जंप जी, इज देयर अ बेटर वे ऑफ जंपिंग. Right. So now it is, they are more aware of their things. हमारे में I think हमारी awareness कम थी. जी. हम एक मतलब एक shell में काम करते थे. जी. हमारे पास limited hotels थे. हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चलो मैं 3 साल यहाँ काम करके छोड़ के दूसरी जगह चले जाऊँगा. Because इतनी opportunities नहीं थी. जी. Today I think the students have lot more opportunities. जी. And people are going into various fields. और आजकल as a chef field. जी. मतलब हमारे टाइम में होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट करके अगर आप शेफ बनना चाहते तो एक फील्ड थी कि आप होटल 5-star होटल में जाके शेफ बन रहे हैं. जी. बट आज टुडे आप होटल मैनेजमेंट करके अगर आप शेफ फील्ड में जाना चाहते हैं तो यू हैव मोर देन 15 ऑप्शंस जी इन फ्रंट ऑफ यू. होटल में जाके शेफ बनना एक ऑप्शन है, स्टैंड लोन रेस्टोरेंट में शेफ बनना एक ऑप्शन है जी, गवर्नमेंट एसोसिएशन में जाके फूड ऑडिटर बनना एक ऑप्शन है जी, प्राइवेट शेफ बनना एक ऑप्शन है, सेलिब्रिटीज का शेफ बनना एक ऑप्शन है जी. टुडे मेनी सेलिब्रिटीज हॉलीवुड बॉलीवुड आर हायरिंग शेफ्स जी, बिल्कुल, बिकॉज उनके अपने डाइटिशियंस हैं जो प्लान बताते हैं उनको वो खाना खाना है, तो दे आर हायरिंग यंग शेफ्स हु ट्रैवल विद देम. राइट. सो दैट इज अनदर वेरी लुक्रेटिव थिंग फॉर द शेफ्स. कि आई एम अ पर्सनल शेफ ऑफ सलमान खान जी, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, और ऑफ कैटरीना कैफ. जहां भी मिस कैटरीना कैफ जा रही हैं उनके साथ शूटिंग पे जा रहे हैं, उनका वही खाना बन रहा है. सो दैट्स अनदर फील्ड दैट्स हैपनिंग. एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर. सो दे आर स्टडिंग अबाउट फूड, दे आर स्टडिंग अबाउट वर्किंग विद साइंटिस्ट. तो जो भी आज डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट निकालती हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर या नेचर आर्टिकल फ्लेवर जा रहा है जी. तो वो शेफ्स खाना बनाते हैं और उसको साइंटिस्ट जो है उसको पाउडर फॉर्म में बना के फ्लेवर्स बना के एक यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं. बिल्कुल. सो दैट इज वेयर शेफ्स आर इन्वॉल्व. तो आजकल शेफ प्रोफेशन इज बिकमिंग वेरी डाइवर्स. तो स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हैव सो मेनी चॉइसेस. राइट. सो दे वांट टू नो कि हाँ, इफ आई एम कमिंग इन हियर आई विल नॉट स्पेंड 16-17 आवर्स वर्किंग एवरी डे. जो हमारे टाइम में थॉट होता था कि भाई 18-19 घंटे आप काम सीखो जी. अपने आप को बढ़ाओ. This generation is not about that. Work-life balance के बारे में ज़्यादा. They need work-life balance. जी. And which is true. मतलब I am not against it. जी. Totally. So I think that is where we see the difference. And I think जो young manager and young chef है, they don't find it very odd. Right. But I think the problem is, I think with our generation, क्योंकि हम ऐसे सीखे हुए हैं, तो हम इनको भी देखते हैं ऐसे कि इनको भी ऐसा ही करना चाहिए. लेकिन I think अब हमें ये समझना चाहिए कि जो मेरे लिए उस टाइम अच्छा था वो आज इस यंगस्टर के लिए नहीं अच्छा. सही बात, बिल्कुल. आपको नाउ टूडे एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन वर्क, कि मेरा काम हो जाना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ वर्क. एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग एफिशिएंटली, आप बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करो. लेट पीपल गो होम इन 9 आवर्स, लेट देम हैव अ लाइफ, लेट देम डू अदर थिंग्स इन लाइफ. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे टाइम में, जैसे मेरे को याद है कि अगर मैं सुबह 7 बजे आके शाम को 7 बजे भी 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी जी. शेफ को कहता था कि शेफ मैं घर जाऊं, तो वो अपनी घड़ी देख के बोलता था क्यों आज हाफ डे, क्योंकि बाहर सूरज होता था जी. जी. तो ये हमारे टाइम में जरूरी होता था कि आप अंधेरे में होटल आ रहे हैं और अंधेरे में ही घर जा रहे हैं जी. बट आई थिंक दोस थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम हैप्पी दैट सर. मैं तो ये मानता हूँ कि जो घड़ी देख कर काम नहीं करते जी, वो आगे जाके सक्सेस पाना उनके लिए आसान होता है. अगर आप घड़ी देख कर काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है. और सर मैं ये भी मानता हूँ कि उस जनरेशन में जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई थी जी. और अब जो अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें भी बहुत फर्क है. बहुत हर चीज में बदलाव आ चुका है. बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क. जैसे मेरे टाइम में अगर मैंने ज्वाइन किया और माय फादर वाज इन आर्मी जी, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट लाइफ देख रखी थी आर्मी की. तो अगर हम छोटी छोटी चीजों की कंप्लेंट करें कि भाई इतने घंटे की नौकरी है, ही वुडंट अंडरस्टैंड जी. ही वुड से कितनी मुश्किल है तुम्हारी नौकरी. मतलब इज इट एज डिफिकल्ट एज आर्मी, जहां हम रेगिस्तान में सोते हैं सांपों के बीच में. तो ही वुडंट गेट इट कि व्हाट डू यू मीन बाय 12 घंटे का हार्डवर्क. सो इसीलिए हम लोग कभी उनके साथ जाके कंप्लेन नहीं करते थे. बट आजकल की जनरेशन इज बीइंग ब्रॉट अप इन अ एटमॉस्फेयर जहां उनको ऐशो आराम शुरू से दिए गए जी. यू नो, हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में कभी नहीं आए होंगे अगर हमने, अगर टीचर ने हमें जोर से बोल दिया या कभी एक टिका दिया. हम तो मार भी खाए हैं. हाँ बिल्कुल, तो खाए हैं. बट आज मैं वही पेरेंट जिसने खुद टीचर से मार खा रखी है जी, आई वुड बी वेरी ऑफेंडेड इफ माई किड वॉज बीटन अप इन स्कूल बाय अ टीचर. तो मैं पहुंच जाऊंगा. राइट. तो ये
उन पेरेंट्स का भी है जिनके साथ ये हुआ है, आज वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ हो. सो देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु यू नो आर हमारे पेरेंट्स ने कभी इंटरफेयर नहीं किया हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, बट देयर आर टुडे पेरेंट्स हु कॉल अप हु वांट टू इंटरफेयर इन द लाइफ एंड सी कि क्या हो रहा है, इज माय my ward being treated nicely. जी. Because they have so many options. The parents का बहुत pressure होता है कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम 18-19 घंटे काम कर रहे हो, तुम्हें पैसे इतने नहीं मिल रहे, उसका बेटा देखो कॉल सेंटर में काम करता है, मनी. बिकॉज पीपल थिंक डिफरेंटली. एंड आई थिंक अबाउट होटल इंडस्ट्री, आई वुड ओनली लाइक टू टेल पीपल दैट डोंट लुक फॉर अ जॉब इन अ होटल, लुक फॉर अ करियर. बिकॉज आपको इनिशियली लाइफ में मे बी फर्स्ट 5-6 ईयर्स जिसको हम स्ट्रगल बोलते हैं, दे माइट नॉट बी लॉट ऑफ मनी, बट द आफ्टर दैट योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, आई थिंक थिंग्स विल कम टू यू सूनर और लेटर, बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड यू कीप हैव टू लर्न योर वर्क. और फिर बात वही मेडिकल प्रोफेशन की, कि एक डॉक्टर पास आउट होते ही इमीडिएटली अपना क्लिनिक खोल के पैसे नहीं बनाने लग जाता. बिल्कुल. जितना डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है वो उसी हिसाब से, आज डॉक्टर्स हैं जिनकी फीस 2500 भी है, एक एक कंसल्टेंसी की 800 भी है, 400 भी है, बट वो 2500 वाला डॉक्टर आज उस मुकाम पे पहुंचा है कि कैन चार्ज दैट मच ऑफ मनी. सही बात है. सो दोज आर द थिंग्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सेम वे आपने अपने फादर की बात की, वो आर्मी में थे. जी. जब पहली बार उनको पता चला कि आप शेफ बन गए हैं या शेफ बन रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? शॉक्ड थे? नहीं, तो आई थिंक ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज आई थिंक ही वॉज हैप्पी फॉर डिफरेंट रीजंस. बिकॉज उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे आर्मी में, उन्होंने उनको बताया कि भाई बिल्कुल भेजो, शेफ बनाओ, क्योंकि हमारे कोई हैं जो दुबई में हैं शेफ, और हर 3 साल में कार बदलते हैं. तो फॉर हिम इट वाज कि एज अ शेफ एज अ प्रोफेशन वाज यूनिक ऑफ कोर्स, बट फॉर हिम आल्सो इट वाज कि आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मनी इन इट, राइट? सो यू नो दैट वाज हिज थॉट प्रोसेस. बट ऑफ कोर्स विद माय मदर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, शी वाज ऑलवेज कि क्या मैं किसी को बताऊंगी, क्या करता है भाई, खाना बनाता है मेरा बेटा, ये वो. और मुझे भी याद है कि जब मैं छुट्टी में कश्मीर आता था, सो आई बिलोंग टू बारामूला इन कश्मीर, तुम्हारी जो सोसाइटी है कंजर्वेटिव है. तो जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो जब मैं छुट्टियों पे घर आता था जी, तो जब लोग मुझसे पूछते थे क्या करता है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे खुल के नहीं बता पाता था कि भाई मैं खाना पकाता हूँ. तो मैं बोलता था कि मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट. हाँ, खाना बनाते हैं उसमें, लेकिन उसके अलावा ये भी होता है, वो भी होता है. मतलब मैं अपने मन में बहुत ग्लोरीफाई करता था उसको, ताकि उन सबको लगे कि अच्छा ये सिर्फ एक कुक नहीं है, बहुत कुछ कर रहा है. और आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स की और मतलब सबको ये बताना चाहता था कि मैंने जो इंडस्ट्री चूज की है वो बहुत अच्छी है और जो मुझे पता था कि अच्छी है, लेकिन अगले लोगों को सबको मेरे को प्रूव करना होता था कि मैं अच्छी इंडस्ट्री में हूँ. तो उसमें ये चीजें मैं ऐड करता था और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आता था कि वो इस चीज को ज्यादा एग्री नहीं कर रहे हैं. और आज इस मुकाम पे बड़ा डिफरेंट है कि आफ्टर 30 इयर्स, अगर आज मैं कश्मीर जाता हूँ और कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हो, और मैं बोलता हूँ कि मैं खाना पकाता हूँ, नहीं 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 झूठ बोल रहे. सो नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड. सो आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम वेरी हैप्पी टू टेल पीपल दैट आई कुक एंड आई एम अ कुक एंड आई एम अ शेफ. बट आई थिंक उस टाइम पहले मैं इसको बहुत डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता था, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई डू. तो ये सर, मैम के घर पे भी जब आपकी शादी हो रही थी तो मैम के घर पे पता था कि आप शेफ हैं? हाँ बिल्कुल. सो आई नो माई वाइफ व्हेन वी वर लाइक किड्स, छोटे थे, वी हैव ग्रोन अप टुगेदर. जी. सो व्हेन वी वर गोइंग अराउंड, सो यस, सो मतलब मैं शेफ तो बाद में बना, मिला अपनी वाइफ से उससे पहले. सो बिल्कुल. बट हाँ, आई थिंक समवेयर आई थिंक दिस प्रोफेशन वाज ऑलवेज वेरी यूनिक, बिकॉज उस टाइम जब मेरी भी शादी हुई तो उस टाइम बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे ओपन नहीं थे कि दे शेफ हैं या कुछ. तो आई थिंक शेफ वाज कंसीडर्ड एज अ वेरी, एंड इवन टुडे अ शेफ एज अ प्रोफेशन इज कंसीडर्ड वेरी वेरी यूनिक. आज भी किसी लोगों को पता चलता है ओ आप शेफ हो, तो बहुत खुश होते हैं लोग, एंड दे वॉन्ट टू नो मोर, एंड you know they want to understand more. sir mujhe aur ek cheez lagta hai, jaise dekhiye is planet pe hamara jo main motto hai wo hai survival. bilkul. hamara brain jo hai wo survival ke liye bana hua hai. ji. to khana jo hai humse hame to usse energy milti hai. to automatically khana dekhkar, matlab aisa shayad hi koi prithvi pe insaan ho jisko khana pasand na ho, aur agar koi chef khana agar magical bana paaye to i mean ye profession sach mein lajawab hai. waise bhi sir main aapka aise bio pad raha tha. तो मैंने देखा कि लिंक्डइन प्रोफाइल में आपका मेंशन था कि जो आप
जो जेमी ओलिवर जो शेफ हैं या गॉर्डन रामसे हैं जी, उनके साथ आपने काम किया है, उनके साथ आप मिले हुए हैं, तो सर आप वो स्टोरी थोड़ा बताएं, बहुत कोई को ये स्टोरी पता नहीं है। सो आई थिंक मेरी इंडस्ट्री में देयर इज लॉट ऑफ ट्रैवल, मतलब अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड अंटार्कटिका आई हैव बीन टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। वाओ, शेफ्स गेट टू ट्रैवल अ लॉट, चाहे आप फूड प्रमोशंस के लिए जा रहे हो जी एक कंट्री में जहां आप अपना कल्चर अपनी चीजें बांट रहे हो लोगों से, या फिर उनसे सीखने भी जा रहे हो जी। सो एंड ओबेरॉय होटल्स में एक्चुअली ये चीज बहुत ज्यादा है, वेयर यू नो वी बिलीव इन ट्रेनिंग आवर पीपल, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ओबेरॉय होटल्स दैट दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए जगह जगह भेजा जी। तो वाइल्स ऑन माई ट्रेवल्स, बट मैं 15 दिन जैसे मैंने फ्रेंच लॉन्ड्री में काम किया विद शेफ थॉमस केलर जी, तो वहां वो 2 दिन थे, बट वी कुक सम इंडियन डिशेज, और ये बहुत साल पहले की बात है, 2009 की बात कर रहा हूँ जी। फिर ऑल्सो हैड गॉन टू अर्जेंटीना, और उस ऑन रूट आई हैड यू नो स्पेंट 1 week इन मेज विच इज इन लंडन, वो गॉर्डन रामजे का रेस्टोरेंट है जी, सो आई वॉन्टेड टू वर्क 1 week विद इन हिज रेस्टोरेंट। So that was an amazing experience. Then Jamie Oliver is his friend, so I also spent a day with Jamie Oliver, cooking some Indian food. हमने deer का रोगन जोश बनाया, और deer तो इंडिया में ban है, but बाहर मिलता है venison तो उसका। So different things. I think it's about sharing knowledge and all. So I think आजकल की generation के लिए उनको लगता है wow ये चीज है, but I think हम fraternity में senior position पे भी all are like brothers and friends जी। So like विकास खन्ना या रणवीर बरार या शेफ संजीव कपूर, we keep meeting each other very often, मतलब सामने। मेरे को याद है एक बार मेरे कोई friend शेफ रणवीर बरार से मिलना चाहते थे जी, और तो किसी को मिलाना मतलब मेरे लिए odd हो जाता है कि भाई किस लिए मिलना है वो भी, but उनके जोर करने के बावजूद मैंने एक बार रणवीर से पूछा कि भाई वो मिलना, हाँ शेफ बुला लो, तो मैंने जब उनको बुलाया तो वो बड़ा खुश हो गया, और रणवीर को देखते ही बोला कि अरे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं जी, तो रणवीर के ने पलट के बोला कि हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। सो इट इज अ मतलब ऑफ कोर्स जिन लोगों को हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं या कुछ, तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा रहती है बिल्कुल, बट आई थिंक हमारी फ्रेटर्निटी में आई थिंक ऑल ऑफ अवर शेफ्स आर आई थिंक वेरी हम्बल, एक दूसरे से एकदम लाइक ब्रदर्स मिलते हैं, एंड व्हेनेवर वी मीट वी ऑल टॉक अबाउट फूड एंड न्यू डेवलपमेंट्स एंड न्यू थिंग्स। कितनी बार कॉल पे उनको कोई डाउट होता है तो वो मुझे कॉल करते हैं कि शेफ हमने बहुत डिस्कस किया, अब आप लास्ट रिसोर्ट है हमारे को, बताओ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, समटाइम्स आई हैव टू आस्क समथिंग आई गो बैक टू देम जी। सो ये सब सर मैं तो ये मानता हूँ कि शेफ को हम्बल होना पड़ेगा जी, अदरवाइज अगर गुस्से वाले शेफ हुए तो वो खाना में तो टॉक्सिक वो एनर्जी जो है वो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस, जो कि आपको लाइफ में कोई 21 साल के बाद कुछ चीज समझ आती है जी, कि जब आप खुश होते हैं तो वो खुशी खाने में झलकती है। सही बात, और इसीलिए माँ का हाथ का खाना अच्छा बनता है, बिकॉज वो अच्छी नियत से बनाती है। सही, सो द गुड थॉट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फूड, और मैं तो एक लेवल ऊपर जाके बोलता हूँ लोगों को कि फूड इज लाइक मेडिटेशन, बिकॉज जब आप खाने के साथ हैं जी तो आप माइंडफुल हैं हर एक चीज के, आप माइंडफुल हैं उस साउंड ऑफ द फायर, आप माइंडफुल हैं उस तड़के की आवाज जो आई है जो सिजल हो रहा है, तो व्हेन यू आर इनटू दैट फूड यू आर मेकिंग अ कनेक्ट विद द फूड जी, सो यू आर ऑलमोस्ट टॉकिंग टू द इंग्रेडिएंट्स राइट। आई थिंक दैट इमोशनल कनेक्ट विद द फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे कि ऐसे में वो खाना बहुत अच्छा बनेगा बिल्कुल। जब मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था, अगर शेफ कोई मेरे को गुस्से में दिखता था या मूड खराब है तो मैं उनको हटाता रेंज से बिल्कुल, मैं कहता मत पकाओ ये खाना टॉक्सिक होगा बिल्कुल, क्योंकि वो खाने में दिखेगा आपका वो झलकेगा, मसाला जला होगा, ऑयल ज्यादा होगा, खाना टेस्टी नहीं होगा। So happy chefs make happy food make happy customers make Mr. Oberoi happy or Mr. Tata happy. So I think happiness is very important. जी तो खुश रहें, because आप खाना जिसके लिए बना रहे हैं, you're touching somebody's soul. जी you're contributing to the health of that person. जी So I think it's a very very unique profession that way. सर एक question है जो last year एक report था जी। और हमें भी थोड़ा चिंता में डाला था, और वो ये कि होटल इंडस्ट्री जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं जी। फिर कुछ दिन बाद वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा होटल इंडस्ट्री पे, और ऐसा क्या है होटल इंडस्ट्री को करना चाहिए ताकि इन बच्चों को रिटेन किया जा सके या एक्साइटेड रखा जा सके कि हाँ
ये होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करें? सो आई थिंक ये ऑलरेडी हम इंडस्ट्री वाले फेस कर रहे हैं जी, और इसके ऊपर काम होना भी शुरू हुआ है, और मैं कहूंगा कि मे बी पहले 10 साल पहले हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे जी, लेकिन अब इसके बारे में बहुत बातें शुरू हो गई हैं, जहां पे हर कंपनी एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा है जी, एक क्रिएटिंग राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जी, जहां के हम चाह रहे हैं कि भाई जो इस इंडस्ट्री में भी एक जो कोई बंदा काम करने आए तो वो खुश रह के काम करे, बिल्कुल, उसकी सैलरी भी कॉम्पिटिटिव हो कंपेयर टू जो अदर इंडस्ट्रीज में मिल रही हैं, और वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड हो। सो हम इंडस्ट्री मिलके डेफिनेटली इस चीज में काम कर रहे हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको साथ मिलके इसके बारे में काम करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम शायद मेरे जैसे जनरेशन की शेफ्स की है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा काम किया 17-18 घंटे, तो हम माइंड में कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमने किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते जी, तो आई थिंक वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं चेंज होनी है, और ये हो रही है, और ये हो रही है एंड आगे और होगी और बेटरमेंट के लिए होगी। बस मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं जी, प्लीज ज्वाइन करें, इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक इंडस्ट्रीज, बिकॉज ये इंडस्ट्री जो आपको सिखाती है, आपको सिर्फ एक शेफ या होटल मैनेजर बनाने के कैपेबल नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में शाइन कर सकते हो, और स्पेशली वर्क इन इंडिया फॉर 3-4 इयर्स और फिर आप बाहर जाएं, आप देखिएगा बाहर जाके फिर आप राजा बन जाएंगे, बिकॉज जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी आपको सिखाती है, जिस तरह के हमारे डिफिकल्ट गेस्ट्स हैं उनसे बात करना मिलना, वो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देगी कि आप लाइफ में कहीं फेल नहीं होंगे। और होटल मैनेजमेंट करके इट्स अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड टुडे एवरीथिंग अबाउट कस्टमर्स, आज एक होटल्स में भी एक हॉस्पिटल्स में भी क्लासेस ली जा रही हैं ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन जी। सो हॉस्पिटैलिटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू होटल्स टुडे, हॉस्पिटैलिटी आज कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा रही है, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है, रिटेल मैनेजमेंट में जा रही है जी। तो हॉस्पिटैलिटी को आप सिर्फ शेफ बनना मत देखिए, एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल को देख के आप हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल बनिए। लॉकडाउन के बाद से आज अगर कोई बिजनेस ज्यादा बूम हुई है जी, तो दैट्स फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। एक्जेक्टली, आज चाहे वो होम शेफ्स अपना खाना बना रहे हैं जी, कुछ ने आई क्लाउड किचन खोल लिए हैं जी, कुछ ने अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं, तो बट इट्स ऑल रिलेटेड टू फूड। अगर आप लॉकडाउन में देखें, सब लोग जब घर पे थे तो जो 80% एक्टिविटीज घर में होती थी वर अराउंड फूड जी। सो फूड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर नॉट ओनली आर कंट्री, ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जी, और इसीलिए प्लीज ज्वाइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एंड स्टूडेंट्स स्टिल वांट टू ज्वाइन, आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैव टू बी काउंसल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं मत ज्वाइन करो, इतने लोगों को निकाल दिया लॉकडाउन में जी, बट दैट इज नॉट ट्रू, मोर एंड मोर होटल्स आर ओपनिंग अप। आज हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो हमारे पास कम से कम 10 लाख स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है अगले 5 साल में, एंड वी डोंट हैव दैट। अगर हम करंटली भी देखें जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं जी, वी विल नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड, राइट, सो वी रियली नीड पीपल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो आई वुड अर्ज पीपल टू ज्वाइन एंड डोंट लुक एट मनी इन द इनिशियल ईयर्स, बट इट्स अ ग्रेट करियर, आपको 5-6 साल बाद यू विल रियली फील ब्लेस्ड जी कि मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की और मैंने ये काम किया। बिल्कुल सर, मैं एक डेटा देख रहा था, उसमें ये था कि वर्ल्ड वाइड जी अगर आप होटल्स रेस्टोरेंट्स आप इसकी बात करें तो तकरीबन 7 लाख है, 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब इसका रेवेन्यू है yeah। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी yeah। तो अगर किसी में स्किल है, उनको काम आता है जी, तो वो बेकार तो डेफिनेटली नहीं होंगे, एब्सोल्युटली नॉट, इतना अपॉर्चुनिटी है कि हम, हमारा डिमांड है आप जैसे बोले 10 लाख और हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट के पास बाद जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन करें या ना करें, तो वो डेफिनेटली उनके जो सोच में है वो बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल सर, एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा, उसके पहले एक क्वेश्चन और जी, और वो कि सर ये जो आपको ऑनररी जो डॉक्टरेट मिला है जी, और आप 1 of 6 हैं एशिया में जिनको ये मिला है, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताइए। सो दिस इज एशियन चेंबर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जो पुणे में है, एंड सो एंड आई थिंक समवेयर, मतलब वो एक कहानी है ना कि जब आप कुछ चीज मैनिफेस्ट करने लगते हैं जी, तो वो सडनली अपने आप एनवायरमेंट में होने लगती है। बिल्कुल, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर,
और लेकिन बीच में मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूं, कि मेरे को कहीं से डॉक्टरेट करनी है, मतलब आई वांट टू एक्चुअली डू अ पीएचडी. और मैं उस बारे में बात ही कर रहा था, अचानक आई गॉट अ कॉल वन डे टू से दैट वी हैव बीन शॉर्टलिस्टिंग प्रोफाइल्स और आपकी एक प्रोफाइल सिलेक्ट हुई है एंड यू आर अमंगस्ट वन ऑफ द टॉप 6 पीपल दैट वी हैव सिलेक्टेड अक्रॉस एशिया इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी. उनमें से एक काउंसलर जनरल ऑफ अफगानिस्तान भी थी, एक लेडी जी, एक मैं था, एक कोई नेपाल से थे. तो 6 ऑफ अस लास्ट ईयर इन मे वी वर कॉल्ड टू पुणे एंड वी वर आई वाज कन्फर्ड द ऑनरी डॉक्टरेट. सो दिस वाज फॉर द वर्क दैट आई हैव डन, माय बुक्स एंड यू नो फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जी. तो उसको लेके सो आई वाज वेरी हैप्पी, बट लाइक आई टोल्ड देम दैट यू नो With these titles come more responsibilities. So I definitely am very happy to mentor students, to counsel them, to coach them. Because आज बहुत सारे मेरे पास calls आते हैं लोगों के जो engineering करके 4 साल की you know chef बनना चाहते हैं, but वो 28 साल के हैं and they don't have किस केटरिंग कॉलेज में जाएं, because अब केटरिंग कॉलेज में एक एज लिमिट होती है. बिल्कुल. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो कि एक एज लिमिट से पार हो गए हैं और लेकिन उनको शुरू से स्क्रैच से शुरू करना है और उनको पता नहीं है कि मैं कैसे शुरू करूं. बिल्कुल. ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं करना देना चाहते जी, क्योंकि कुछ सोचते हैं कि इंडस्ट्री में जॉब नहीं है और कुछ सोचते हैं कि क्या बावर्ची बनोगे. तो अभी भी वो मेंटालिटी है कहीं ना कहीं. तो आई थिंक बट ओवर जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में बेटर होता जाएगा. बिल्कुल. सर एक पैशन आपका है जो हमने सुना है और हमने एक्चुअली एक इवेंट में आपको देखा था जी. आप फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं, तो अगर सर हमारी ऑडियंस के लिए आप अगर बिल्कुल अच्छा बजाता नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ. और सर इसके पीछे कोई ऐसा लाइक आप कैसे ये पैशन कैसे आया आपको? सो बांसुरी की आवाज समहाउ पता नहीं मेरे को शुरू से ही बहुत इंट्रीग करती है जी. और एक बार जब मैं 20 साल का होऊंगा, मैं अपने ओबरॉय न्यू दिल्ली में था जी, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी 15 दिन हमारे साथ दी ओबरॉय में रह रहे थे. अच्छा. और एक बार बैंक्वेट हॉल में मैंने उनको बजाते सुना तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया जी. और मेरा बड़ा मन किया और मैंने उनसे जाके पूछा बाद में कि सर कितनी अच्छी बजाते हैं, मुझे भी सीखनी है जी. और उनको क्लियरली पता चल गया कि ना ये मुझे जानता है ना इसको म्यूजिक की कोई नॉलेज है जी. और हाँ मैं नहीं जानता था पंडित जी को जी. तो ही टोल्ड मी कि देन ही आस्क्ड मी एवरीथिंग कि मैं कितने बजे होटल आया. तो मैंने उनको बताया कि मैं 6 बजे आता हूँ जी और ये रात के 10 बजे की बात है. अच्छा. तो उनको ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि इतने घंटे से. बिल्कुल. तो उन्होंने कहा नहीं, जो इनका पहला जो स्टार्टिंग जो बांसुरी के लेसन होते हैं ना वो 2 बजे से शुरू होते हैं. अच्छा. ऐसा उन्होंने बताया मुझे और मैं टालने के लिए उस टाइम मेरे को नहीं समझ आई, मैंने तो वो चीज को सच मानी कि हाँ 2 बजे से शुरू होता होगा जी. तो मैंने उनसे उनका रूम नंबर पूछा और मैं जाके लॉकर में सो गया उस रात जी. और मैंने 2 बजे जाके उनकी घंटी बजा दी. सीरियसली मतलब मैं आज सोचता हूँ कि मतलब मैंने ये जो किया शायद मुझे होटल से निकाल देते नौकरी से जी. तो मैं आज नहीं करूंगा ये, लेकिन उस टाइम मैंने बिना सोचे समझे जाके बेल बजा दी और आंख मलते हुए उठे और उन्होंने पूछा हाँ क्या चाहिए. तो मैंने कहा मैं आपको नीचे मिला था और बांसुरी का लेसन. बट वॉट अ ग्रेट मैन, he called me into his room जी and उन्होंने मुझे पहला सा लगाना रात के 2 बजे सिखाया. wow. बांसुरी पे. so then I started learning flute. तो मैं 3-4 बार उनसे उसी टाइम होटल में मिलके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया जी. लेकिन उसके बाद कोई करेक्ट करने वाला नहीं था तो मैं अपना गलत सलत बजाता रहा. तो मेरे टाइम में वो यूट्यूब होते नहीं थे, आजकल लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं जी. तो मैं गलत सलत बजाता रहा बट 3 साल पहले लॉकडाउन के टाइम में आई फाइनली फाउंड अ गुरु. Wow. Who is disciple of Pandit Ravishankar, Pandit Rohit Anand नाम है उनका जी. और उनसे मैं 3 साल से सीख रहा हूँ और मैं शायद अगले 20 साल और सीखता ही रहूंगा. बेसिकली इट्स अ वेरी टफ इंस्ट्रूमेंट. बिल्कुल. बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर माई कंट्री. आई वॉन्ट टू वन डे प्ले लाइक अ कॉन्सर्ट. आई वॉन्ट टू प्ले इन एल्बर्ट हॉल लंडन वन डे. तो हाँ, सो आई एम प्रिपेयरिंग टूवर्ड्स दैट. मैं ऑलमोस्ट 6 या 7 घंटे निकालता हूँ हफ्ते के. वाओ. वेयर आई गो फॉर माई क्लास एंड डेलीजेंटली और रोज आधे घंटे का रियाज मिनिमम आपको इसमें चाहिए चाहिए होता है जी. तो कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए. बिल्कुल. तो आई थिंक आई विल ऑल्सो टेल पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी एक हॉबी पालें, बिकॉज जितनी स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री में है यू नीड समथिंग टू यू नो यू सेटल यू डाउन, कूल यू डाउन. So, yeah. स्ट्रेस ब्रस्टर का काम करता है. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. ये तो मेडिटेशन है. जी, तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि बिल्कुल, I am very happy to play a flute. सा कुछ ये कुछ स्पेशल है? हाँ, ये बहुत स्पेशल है. ये मेरे गुरुजी की हाथ की बनाई हुई बांसुरी है. अरे वाह. एंड मेरे पास ऐसी कोई 8 या 10 बांसुरी हैं अलग अलग स्केल्स की. ये वाला स्केल ई है
जी, तो 3 साल पहले मेरी इसी पे हाथ नहीं पहुंचते थे जी, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बांसुरियां बजाता हूं तो अब तो ये बच्चों वाली लगती है बेसिकली। तो फर्स्ट आई विल जस्ट स्टार्ट विद अ लिटिल प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज़ ये बांसुरी उनकी है। सो द सॉन्ग इज अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। Goodness, wow. So I'll play one of the song जो एक राग पे बेस्ड है, जो इसी टाइम का राग है, between 1 to 3 PM। जी। This song is from Namaste London। मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं भी रहूँ। जी जी बिल्कुल। Amazing. So yeah, this is a beautiful instrument. और इनके जो दूसरे scales हैं, that's more depth. उसका जो bass है, मतलब बहुत ही ज़्यादा. जी. That's a good exercise also. Stress तो रहता ही नहीं होगा. सर ये बांसुरी के अलावा और क्या-क्या आपकी hobbies हैं? So I think इसमें एक छोटी सी story है. और ये story ये है कि मैं पहले जब इनिशियल लाइफ के 15-16 साल इन माय लाइफ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव शेफ जी, मैंने 16-17 घंटे दिन में काम किया, मतलब इट वाज मैडनेस जी। और मेरा ओसीएलडी ज्वाइन करने का सबसे ल्यूक्रेटिव चीज यही थी कि मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी। अच्छा। तो 5 days वीक, और वो पहले 3 महीने मैंने बहुत इंजॉय किया, लेकिन 3 महीने के बाद वो सैटरडे संडे जो है ना, मेरे को चुभने लगे। बिकॉज बींग 17 साल तक इतना ऑपरेशनली 16 घंटे नॉन स्टॉप, कई बार 3-3 हफ्ते ऑफ नहीं जी, तो मेरे को लगा नहीं है सैटरडे संडे मैं वेस्ट कर रहा हूँ लाइफ के। तो वो सैटरडे संडे फिर मैंने अपनी बुक लिखनी शुरू की एंड दैट इज वेयर माई बुक्स केम अबाउट, जहाँ मैंने सालों बाद बुक लिखता रहा जी। फिर जब बुक का मेरा खत्म हो गया तो अब मैं क्या करूँ सैटरडे संडे, सो आई ज्वाइंड एम्बेसी ऑफ स्पेन में। Saturday, Sunday, I started learning Spanish. Wow. So I'm today a literature in Spanish. I've done literature in Spanish. I can speak fluent Spanish. तो मैं कहीं भी Spanish speaking countries में जाता हूँ तो मैं Indian cooking की classes Spanish में लेता हूँ। Wow. जब वो फिर खत्म हुई वो classes, तो फिर मैंने cycling शुरू करी।
जी तो मैंने आज अपने पिछले 5 साल से साइकिल कर रहा हूँ. आई साइकिल्ड ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स. माय लॉन्गेस्ट राइड हैज बीन अराउंड 675 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच 36 घंटे में. तो फिर साइकिलिंग शुरू करी और साइकिलिंग के बाद अब ये फ्लूट का पैशन भी है जो मैं कर रहा हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि मतलब आपका वर्क रिलेटेड पार्ट लाइफ का एक चीज होती है, बट देन यू हैव अ सेपरेट लाइफ विच इज यू योर फैमिली एंड टुगेदरनेस. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल हैव टू जस्ट क्रिएट टाइम. और सिर्फ ये कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई थिंक इफ यू गो ऑन टू आवर फोन स्क्रीन्स और देखें कि हम कितने घंटे फोन पे रहते हैं, इट इज क्रेजी. बिकॉज आई थिंक ऑन एन एवरेज आई थिंक 4 से 5 घंटे एवरी इंडिविजुअल इज स्पेंडिंग ऑन ऑन स्क्रीन टूडे. जी सो उसमें से कुछ टाइम निकालिए एंड अपनी लाइफ में अपने वैल्यू ऐड कीजिए. लिटिल बी अ नेक्स्ट थिंग इन योर लाइफ दैट यू लुक अप टू. वेल लाइक सच में आपने 5 बुक आपने लिखी हुई हैं जो कि 4 कंट्रीज में पढ़ाई जाती हैं. हाँ जी एंड इंडिया में तो एवरी कॉलेज इट्स अ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक. जी एंड वही जब मैंने लिखी थी तो ये सोच के नहीं लिखा था कि मतलब इतना बुक का वो होगा. जी बट आई थिंक या आई थिंक दैट इज वन थिंग विच यू नो इट्स माय कंप्लीट पैशन एंड माय ओन एक्सपीरियंस विच आई पुट इन दीज बुक्स. सर आप माने या ना माने आप बने ही थे शेफ बनने के लिए. हाँ आप ये आई मीन और कोई प्रोफेशन आपके लिए नहीं है. हाँ. ये यही प्रोफेशन डेस्टिनी ने चूज किया है और आपने सही रास्ता पकड़ा. जी क्योंकि इतना पैशन सिर्फ अगर आप पैसे कमाने के लिए अगर जाते तो शायद ये सब अचीव नहीं कर पाते. नहीं, ये अचीव तभी हुआ है जब रियल में अंदर से ये पैशन. जी जी और जब मैं अपना कंसर्ट भी पहला कंसर्ट करूंगा तो शेफ कोर्ट में करूंगा. सर हम इनवाइटेड होंगे उसमें. बिल्कुल. वेल सर थैंक यू सो मच. आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और मुझे उम्मीद है कि जो भी यंगस्टर जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको जो है इंस्पिरेशन मिलेगी. अगर वो शेफ बनना चाहेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी तरह बनना चाहेंगे. और ये जो चैनल है सर हमारा हॉस्पिटैलिटी अनप्लग्ड, यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं और इसमें जो है आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है. और आप दिल्ली से आएँ और इस पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू. आई थिंक शुक्रिया मुझे आपका करना चाहिए जी और हॉस्पिटैलिटी अनप्लग का करना चाहिए कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ की हम यंगस्टर्स तक पहुँच रहे हैं और उनको इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ताकि क्योंकि हम भी इस इंडस्ट्री के लिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें जी, ताकि इंडस्ट्री हमारी ग्रो करे जी, और जब ग्रो करेगी तभी वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगी. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. एब्सोल्युटली सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू. थैंक यू सो मच.